अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक फैशन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपका से खैरियत से हो, खुश रखें, आमीन। फ्रेंड्स, आज की मैं अपनी वीडियो में आपके लिए फैंसी ड्रेसेस के आइडियाज़ लेके आई हूँ, जो कि गर्ल्स को बहुत प्यारे लगते हैं। प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग के साथ बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप तमाम किस्म की डिज़ाइनिंग देख पाएँ और जिस तरह का डिज़ाइन आपको पसंद हो, आप अपने ड्रेसेस पर उस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आपको स्टिचिंग आती है, आप चाहते हैं कि आपको फैंसी ड्रेसेस के मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ दिखाए जाएँ, तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक और पूरा ज़रूर देखें, ताकि आप तमाम किस्म की डिज़ाइनिंग देख पाएँ और कोई भी डिज़ाइन आपसे मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप फैशन से रिलेटेड तमाम वीडियो देखते रहें जो कि हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। फ्रेंड्स, देखें मेरी स्टूडियो में आपको मुख्तलिफ किस्म के शर्ट्स और फ्रॉक्स के आइडियाज़ दिखा रही हूँ। उनको मुख्तलिफ शेप्स में और मुख्तलिफ स्टाइल्स में स्टिच किया गया है, मुख्तलिफ मटेरियल्स का यूज़ किया गया है। उन पर देखें ये बाजू बेल बॉटम स्टिच की गई है। मेरी स्टूडियो में आपको मुख्तलिफ नेकलाइन पर, ट्राउज़र पर और बाजू पर मुख्तलिफ किस्म की डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी, ताकि आप अपने शर्ट्स पर और फ्रॉक्स की बाजू पर वगैरह पर मुख्तलिफ किस्म की डिज़ाइनिंग कर सकें। ये दामन पर डिज़ाइनिंग की गई है। आप मुख्तलिफ मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप डोरी का यूज़ कर सकते हैं और भी मुख्तलिफ चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ये सब डिटेल्स मेरी स्टूडियो में मैं आपको दिखाऊँगी। ये आपको टेल फ्रॉक दिखाई जा रही है, जो कि ओपन में स्टिच की गई है। आप ओपन के अलावा अंगरखा स्टाइल में भी स्टिच कर सकते हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। जैसे कि ईद आने वाली है, इसलिए आप अपने ईद के ड्रेसेस को इस तरह के स्टिच कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। मेरी स्टूडियो में मैं आपको कुछ सिंपल तरह के डिज़ाइन दिखा रही हूँ और कुछ हैवी किस्म के डिज़ाइन दिखा रही हूँ, क्योंकि कुछ गर्ल्स को सिंपल और कुछ गर्ल्स को हैवी डिज़ाइन पसंद होते हैं, इसलिए दिखा रही हूँ, ताकि आप तमाम किस्म की डिज़ाइनिंग देख पाएँ और जिस तरह के डिज़ाइन आपको पसंद हो, आप अपने ईद के ड्रेसेस पर, अपने वेडिंग के ड्रेसेस पर उस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकें। अगर आपने किसी वेडिंग में जाना हो, कोई पार्टी फंक्शन हो या कोई बर्थडे पार्टी हो, तो आप इस तरह के फैंसी ड्रेसेस को इजीली कैरी कर सकते हैं, ये बहुत प्यारे लगते हैं। आप इस तरह के ड्रेसेस को ख़ुद भी इजीली स्टिच कर सकते हैं या अपने डिज़ाइनर से इजीली स्टिच करवा सकते हैं। अगर आपको मेरा कोई आइडिया काउंट करने में मुश्किल हो रहा हो, तो आप इजीली उसका स्क्रीन शॉट लेकर उस तरह के ड्रेस को इजीली स्टिच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा आइडिया ज़्यादा प्यारा लगा है। इसके अलावा कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आएँ। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत आइडिया है। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।